नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के भावरकोल इलाके के शेरपुर गांव पंचायत के इलाकों में शुक्रवार की रात से तेजी से गंगा कटान शुरू हो गया। लगभग 10 बीघा खेती योग्य भूमि उफनती गंगा की लहरों में समा गई। शनिवार को भी कटान का सिलसिला जारी रहा। शेरपुर गांव पंचायत में गंगा कटान की सूचना पर उपजिलाधिकारी पहुंचे और कटान स्थल का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अभिक्षण अभियंता SS शर्मा एवं अधिशासी अभियंता RP चौधरी से तत्काल कटान रोधी उपाय करने का निर्देश दिया। अधिक्षण अभियंता SS शर्मा ने बताया कि नदी का बहाव काफ़ी तेज है, ऐसे में कटान रोधी कार्य का कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल बड़े बड़े मोटे पेड़ों की टहनियों को रस्सियों में बांधकर तत्काल पानी के करंट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान GSK श्रीवास्तव, अमित कुमार एवं JBP विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। गहमर थाना क्षेत्र एक गांव में एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार करने के आरोपी को पुलिस शनिवार को दबोच लिया, संबंधित धाराओं में उसका चलान कर दिया। मालूम हो कि थाना क्षेत्र के गांव में बीते दिनों शौच करने जा रहे एक किशोरी के साथ जबरदस्ती स्वजातीय एक युवक ने दुराचार किया था। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। गिरफ्तारी के लिए संभावित जगहों पर दबिश दे रही थी। इसी बीच शनिवार की दोपहर कोतवाल को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उक्त मामले का आरोपी युवक कहीं भागने की फिराक में भदौरा वर्सरा मार्ग पर खड़ा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। पास पहुंचने पर जैसे ही युवक की नज़र पुलिस पर पड़ी वह भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। इस संबंध में कोतवाल अनिल पांडे ने बताया कि गिरफ्तार सुभाष राम उर्फ अमित राम का संबंधित धारा में चलान कर दिया गया। जमनिया कोतवाली पुलिस ने समाजवादी साइकिल यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहने के मामले में 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। इसी क्रम में शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया, संबंधित धाराओं में उसका चलान कर दिया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनजर शनिवार को उप निरीक्षक कौशलेंद्र शर्मा कांस्टेबल प्रवीण कुमार के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान दोपहर में सूचना मिली कि सपा की साइकिल यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने का आरोपी क्षेत्र के पांडे मोड़ पर मौजूद है। इस पर पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई। पास पहुंचने पर जैसे ही आरोपी की नज़र पुलिस पर पड़ी वह भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। उप निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्त में आया आरोपी क्षेत्र के मत्सा निवासी जितेंद्र यादव है, संबंधित धाराओं में उसका चलान कर दिया गया। गाजीपुर नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने वार्ड 17 के विशेश्वरगंज में शुक्रवार को इंटर कालिंग सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उक्त सड़क की निविदा 27,05,000 की निकली थी, जिसका संबंधित फर्म द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका नगर के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है, उसी कड़ी में इस सड़क को लोकार्पित किया गया है। कहा कि कई सड़कों और गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिन संबंधित ने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया उनको चेतावनी दिया। उन्होंने बताया कि काफ़ी नए कार्यों की निविदा प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द ही पूर्ण होगी। उन्होंने जल निगम द्वारा संचालित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के कारण नगर की सड़कों और गलियों में सीवर पाइप बिछाने से हो रही जनता की तकलीफों का भी जिक्र करते हुए जल निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों में घोर लापरवाही की निंदा करते हुए कहा कि जल निगम की लापरवाही से नगर पालिका की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों एवं कार्यदायी एजेंसी से कार्य को तेज करने व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की मांग की। नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की अपील करते हुए उपस्थित लोगों से नगर के विकास के लिए सुझाव भी मांगा। इस अवसर पर मनोनीत सभासद अमरनाथ दुबे, समरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय सभासद प्रतिनिधि नागेंद्र गुप्ता, नगर पालिका जय विवेक बिंद, सभासदगण कमलेश श्रीवास्तव, अजय कुमार शास्त्री आदि उपस्थित हैं। संचालन राम बहादुर सिंह ने किया। आनंद मार्ग स्कूल की तरफ से शनिवार को 100 जरूरतमंद बच्चों में कापी और पेन का वितरण किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रह्मचारिणी उर्षिता आचार्य ने कहा कि सा विद्या या विद्यमुक्ति, अर्थात विद्या वह है जो हमें सारे बंधनों से मुक्त करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों में अज्ञानता के आवरण को हटाने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप अपने अंदर की असीम संभावनाओं और क्षमताओं से अवगत हो पाते हैं। इससे संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण में न केवल विस्तार होता है, बल्कि सकारात्मक भी होती है। इससे भौतिक विकास होता है, सही गलत में अंतर कर पाते हैं और जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। कहा कि केवल किताबी ज्ञान से हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सर्वांगिक विकास के लिए हमें सात्विक भोजन, आसन और साधना भी आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों में नैतिकता का उत्थान होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका शिखा श्रीवास्तव, रीना आदि का योगदान रहा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।